हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल हमने करंट अफेयर आप सभी को प्रोवाइड नहीं किया, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक डाउट तो होगा, तो मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही कहा है कि हमारा जो करंट अफेयर है वो एक दिन पुराना नहीं होता दोस्तों, जो दिन भर की घटना होती है दोस्तों जितनी भी दोस्तों करंट अफेयर की जो भी इवेंट निकल करके आती है वो सारी की सारी दिन भर की दोस्तों उसी दिन आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अदर में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को द हिंदू को ही ले लीजिए, सब लोग दोस्तों उसको एनालाइज करते हैं उसके बाद करंट अफेयर बनाते हैं, लेकिन इसी करंट अफेयर को दोस्तों कल बनाया जाएगा जो कि आज आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रही बात दोस्तों संडे की, तो दोस्तों सैटरडे का जो करंट अफेयर होता है वो हम सैटरडे को ही प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए संडे को आप सभी को करंट अफेयर देखने के लिए नहीं मिला। अब बात करते हैं कि सर संडे की भी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। संडे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 या 3 थे, तो उसको लेकर मैंने सोचा कि जो मंडे को करंट अफेयर निकलेगा उसी के साथ आप सभी को ज्वाइन करके कि करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज कि कल आप सभी को करंट अफेयर क्यों नहीं दिया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर की तरफ। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद दोस्तों लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो आप सभी वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर होगा दोस्तों वायरल आचार्य, ऑप्शन नंबर B इनका बिल्कुल राइट आंसर है। जानते हैं इनके बारे में, तो ये दोस्तों आचार्य जी की इमेज है आप सभी के सामने। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर वायरल आचार्य ने अपने कार्यकाल से के निर्धारित समय 6 महीने पहले दोस्तों अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वह 23 जनवरी 2017 को IBI में शामिल हुए थे। वायरल आचार्य IBI वित्तीय स्थिरता इकाई, मौद्रिक नीति विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विकास विभाग, साथ में दोस्तों वित्तीय बाजार संचालन विभाग और वित्तीय बाजार विनिमय विभाग के प्रभारी थे। तो आप सभी को इससे रिलेटेड इतना तो याद रखना ही, लेकिन अब RBI के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि मैंने ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। मुख्यालय दोस्तों RBI का कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। स्थापना कब की गई थी RBI की, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय महिला की डैश टीम ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय 15 में जीत दर्ज की है, तो कौन सी टीम ने की है वो आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय 15 से आप सभी पहचान सकते हैं कि 15 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं दोस्तों, क्रिकेट में नहीं होते, हॉकी में नहीं होते, तो होते हैं दोस्तों रग्बी के अंदर। भारतीय महिला टीम रग्बी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रग्बी 15 जीत जो है दर्ज की है, उन्होंने सिंगापुर को 21-19 के स्कोर से हराया है। ये दोस्तों इमेज आप सभी के सामने, भारतीय टीम मनीला में आयोजित एशिया महिला डिवीजन 1 रग्बी चैंपियनशिप में दोस्तों 3rd स्थान पर रही, मेजबान फिलीपींस को हराकर चीन ने टूर्नामेंट जीता। तो टूर्नामेंट दोस्तों किसने जीता आप सभी को पता होना चाहिए, चीन ने जीता है। रनर अप कौन रहा है दोस्तों, फिलीपींस रहा है। यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 महिला रग्बी विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग दौर में था, जिसको दोस्तों इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी काफ़ी अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है। तो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री, आप सभी को इससे रिलेटेड याद रखना होगा, जब भी दोस्तों खेल का कोई भी सवाल आएगा तो आपको खेल मंत्री पता होना चाहिए, किरण रिजिजू जी दोस्तों खेल मंत्री हैं। बढ़ते हैं अपने अगले। हाल ही में मोरिटोनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, मोहम्मद औलग गजाउनी, ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जान लेते हैं इनके बारे में। ये दोस्तों गजाउनी जी की इमेज आप सभी के सामने है, मोहम्मद औलग जी की 52% वोटों के साथ मोरिटोनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी की अगर बात करें दोस्तों, गुलाम विरोधी के प्रचारक बीजम दा आवेद, जो कि आप सभी के सामने ऑप्शन में अभी हैं, उनको 18.58% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। 1960 में फ्रांस से आज़ादी के बाद मोरिटोनिया पहली बार चुनाव हुआ है, तो दोस्तों ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि यहाँ पहली बार दोस्तों इसमें चुनाव हुआ है, कौन बने वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो मोरिटोनिया की राजधानी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, नया कोट वहाँ की राजधानी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों, संडे के जो भी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने आ जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को बताना है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा मूल्य और पुण्य विकास प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए सेवकों के काम पहचानने और युवाओं के सार्वजनिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी को वहीं से मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 23 जून। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विधवाओं के लिए विचारों और अनुभवों के ध्यान आकर्षित करने और उनकी आवश्यकताओं के लिए अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो आप सभी को संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों स्थापना हुई थी। अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर दोस्तों वहाँ के महासचिव की बात की है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों वहाँ के महासचिव हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। डैश ने सीएससी ई गवर्नेंस सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया आपको बताना है। किसने किए हैं दोस्तों वो किए एनएसआईसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जान लेते हैं इसके बारे में। पिछले क्वेश्चन की इमेज आप सभी को दिखाना भूल गया दोस्तों। ये लोक सेवा की जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में था ये इमेज थी आप सभी के सामने। और इंटरनेशनल विडो दिवस दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है उसकी इमेज आप सभी के सामने ये अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की अगर बात हम कर रहे थे दोस्तों जिसके अंदर मैं आप सभी को समझा रहा था कि एनएसआईसी की दोस्तों पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की बात कर रहा हूँ। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक दूसरे की क्षमता में तालमेल करके नए प्रस्ताव को बढ़ाना है। समझौता ज्ञापन भी एनएससी पोर्टल के माध्यम से सीएससी एनएसआईसी के प्रस्तावित अधिवक्ता के उपयोग करने में सक्षम है। अगर बात करें दोस्तों एनआईसी के अध्यक्ष के बारे में या सह प्रबंधन निदेशक के बारे में तो दोस्तों वो आर.एम. मिश्रा जी हैं। इतना आप सभी को इससे रिलेटेड याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फर्नांडो टोरेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो मेन दोस्तों इनका संन्यास है और आपको संन्यास से याद रखना है कि किसके खिलाड़ी हैं। तो 2000 विश्व कप के विजेता स्पेन टीम के हिस्सा रहे स्पेनिश फुटबॉलर दोस्तों फर्नांडो टोरेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है आप सभी को पता है। तो इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 2000 विश्व कप स्पेन जब जीता था तो उसके ये सदस्य थे। आप सभी के सामने इमेज अवेलेबल है। ये दोस्तों फर्नांडो टोरेस जी हैं जो कि अब फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को आई होप कि पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कांस्य पदक ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हिंदी कमजोर है तो मैं आपको बताऊं स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल रजत पदक की बात करें सिल्वर मेडल और दोस्तों कांस्य पदक जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो हिंदी को लेकर दोस्तों मजाक था सीरियस मत होना। भारत के जिम्नास्टिक परिणीति नायक ने सीनियर एशियन आर्टिस्टिक चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप में मंगोलिया के उलान बतार ने आयोजित की गई थी दोस्तों। जो मंगोलिया के अंदर उलान बतार करके जगह है वहाँ पे दोस्तों ये जो आयोजित की गई थी। चीन के यू लिनमिन और जापान के अयाका सकगुची ने इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो दोस्तों अगर मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो वही दोस्तों राजधानी है उलान बतार जहाँ पे दोस्तों इस खेल को आयोजित किया गया था। मुद्रा की बात करें तो मंगोलियाई टोंगरांग दोस्तों वहाँ की मुद्रा है। और इमेज आप सभी के सामने प्रणति नायक की जिन्होंने दोस्तों आप सभी को दिलाया है कांस्य पदक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अरब देश पूर्ण FATF सदस्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कौन सा देश है। यहाँ पे आप याद रखना है कि अरब देश पहले की बात की गई तो पहला मतलब कि कौन सा पहला अरब देश है मतलब कि दुनिया का पहला देश नहीं है ये दोस्तों दुनिया का तो 39वें नंबर का देश है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सऊदी अरब।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो FATF के बारे में थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है सऊदी अरब वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि पूर्ण सदस्यता प्रदान करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह ऑरलैंडो फ्लोरिडा के समूह की वार्षिक आम बैठकों के दौरान FATF का 39वां सदस्य बनाया गया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को नियतियों को सर्वोत्तम कार्य को जारी करने के लिए एक जिम्मेदार दोस्तों टास्क फोर्स है जो कि काम करती है FATF। तो इमेज आप सभी के सामने दोस्तों, FATF के बारे में अगर बात की है तो इनके अध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए मार्शल विल सिंगल दोस्तों इनके अध्यक्ष हैं। और स्थापना की बात करें तो 1989 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, तो 39वां देश है। लेकिन अरब की बात करें तो अरब देशों में सबसे पहले नंबर का देश बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही क्लास ओवर होगी आप जाके के डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, UAE ने UN विकसित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म डैश शुरू किया, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोमल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों UAE ने दोस्तों आप सभी के सामने गोमल शुरू किया, तो गोमल के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को आप सभी लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज आप सभी को 12 से 14 घंटे पहले करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि द हिंदू से भी पहले आप सभी को करंट अफेयर मिलता है, जो दिन भर की घटना घटित होती है दोस्तों पूरी नज़रें टिका के उस पर होती हैं, उसके बाद आप सभी के सामने शाम को करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सभी से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बिकॉज अपने आप ज्ञान को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर हमारे पास ज्ञान है हम दोस्तों आप सभी को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप भी अगर अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो 100% आप भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान होंगे। तो जान लेते थोड़ा सा इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा ड्रग्स और अपराध पर एक नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं गोमल, लॉन्च करने के लिए UAE खाड़ी पहला देश बन गया है दोस्तों। ये भी पहला देश बन गया है UAE का, तो आपको इसको भी याद रखना है, जो संगठित अपराधों को अंकुश लगाने के लिए है। सभी वित्तीय संस्थाओं, नामित गैर वित्तीय व्यवसायों को व्यापार में गोमल पर पंजीकरण करना होगा। यह मंच UAE की वित्तीय खुफिया इकाई को धन शोषण, आतंकवाद के वित्त पोषण के नए अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा। अगर बात करें दोस्तों UAE के बारे में, क्योंकि आपको वहां पर जानना पड़ेगा, तो उनके राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नयान, थोड़ा सा बड़ा नाम है, दोबारा से सुन लीजिए, खलीफा बिन जायद अल नयान दोस्तों वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। और राजधानी आप सभी को पता होगी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों मुद्रा की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम दोस्तों वहाँ पे चलती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सरकार ने TB को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक योजना विकसित की है। तो टोटल दोस्तों आज तीन क्वेश्चन थे दोस्तों पिछले संडे के, जो आप सभी के सामने लेकर के आया था, और 8 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों आप सभी के मंडे के हैं। तो मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि मैं पुराने क्वेश्चन भी आप सभी के सामने ले आऊँगा, जिससे कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सरकार ने TB को समाप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय रणनीति योजना विकसित की है, तो वो कब तक के लिए आप सभी को बताना है, आप सभी को ईयर बताना है कि कब तक दोस्तों उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2025, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने 2025 तक तपेदिक, जिसको हम TB कहते हैं हिंदी में, इसको तपेदिक कहा जाता है, को समाप्त करने के लिए लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय रणनीतिक योजना विकसित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, याद रखना दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है आप सभी को पता होना चाहिए। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि भारत में सालाना 27.4 लाख अनुमानित TB के मामले में, जो निर्भय संख्या के मामले से अधिक है। तो दोस्तों उन्होंने इस बात को बिल्कुल टारगेट सेट किया, 2025 तक TB रहित होगा, TB को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें होनी भी चाहिए। जैसे कि आप सभी को बताए दोस्तों पोलियो के अंदर हमारा देश ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है, काफ़ी टाइम लग गया लेकिन तरक्की हुई, बहुत अच्छी बात है।
तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आप सभी को बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में दोस्तों आप सभी को इसकी डेट बतानी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट करके जरूर बताइएगा और थीम पता हो तो थीम भी बता देना, जैसे कि दोस्तों आप सभी को हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आने वाला है। तो लास्ट वीडियो मैंने आप सभी से पूछा था भारतमाला के तहत 2022 तक कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि समुद्रीय राजमार्गों का भी दोस्तों निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी उसका अवेलेबल डाटा नहीं है कि कितने किलोमीटर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 35,000 किलोमीटर। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।